यू नो टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई फिल्मी यादें तो है नहीं, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे लिए तो यही मेरा परिवार था. जैसे अगर मैं एक परिवार में पैदा हुआ होगा जो जो डॉक्टर्स हैं तो शायद सेम ही होगा, क्योंकि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आता था, टीवी देखता था, मैगी खाता था, ट्यूशन करता था, खेलने जाता था, सो जाता था. तो पता तो था कि पापा एक्टर हैं. यू नो मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत लोग एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बट हमें कभी सेट पर लिया नहीं गया था. यू नो जब मेरी सिस्टर जो है मेरे से 2 साल बड़ी है, तो शी नेवर हैड एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर. मेरी भी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं थी कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूंगा. मज़े की बात यह है कि मैं एक्टर बना क्योंकि मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था मुझे पता लगा कि एक्टिंग बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, और मैं स्कूल में बहुत बुरा स्टूडेंट था. तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं है. बट बचपन में मुझे एक दिन याद है, मैं हैना की शूट पे गया था. मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 8 or 9 ईयर्स ओल्ड, और जो हैना की फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी अश्विनी भवे, उनका एक गाना का शूट चल रहा था आर के स्टूडियोज़ में, और बहुत सा यू नो एक गोल्ड आउटफिट पहनी हुई थी एंड शी वॉज डांसिंग एंड शी केप डूइंग द सेम स्टेप ओवर एंड अगेन. तो मैं सोच रहा था कि ये पकनी गई है, मतलब कितनी बार सेम स्टेप करेगी, कितनी बार एक ही जगह पे डांस करेगी. तो दोज आर माय अर्ली मेमोरीज, बट नथिंग. वैसे ऐसा कोई एहसास नहीं था कि मैं एक फिल्मी परिवार से हूँ और एक ऐसे परिवार जो यू नो बहुत सालों से एक्टिंग कर रहा है या बहुत सालों से फिल्म बना रहा है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, ऐसा कुछ एहसास नहीं था मुझे. हाँ, वो एक्चुअली किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं स्कूल पास हूँ, क्योंकि एक्चुअली मज़े की बात यह है, मज़े नहीं, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ शेमफुल थिंग, क्योंकि मेरे फैमिली में जो मेल्स हैं उन्होंने स्कूल भी पास नहीं किया. मेरे फादर 7th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे चाचा 6th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे ताया 9th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे जो दादा है श्री राज कपूर, उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया. सो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गाय टू पास विदाउट फेलिंग. तो आई रिमेंबर मैं आप लौट चले की शूटिंग में था न्यूयॉर्क में, पापा को असिस्ट कर रहा था, पापा फिल्म बना रहे थे उस वक्त, दादी भी थी उस टाइम. तो दादी एक्चुअली रोने लगी और उन्होंने मुझे पैसे दिए, उनको ऐसा लगा कि हमारे परिवार में एक आइंस्टाइन पैदा हुआ है. उसने यू नो स्कूल पास हुआ, 54.3% लाया है, मतलब मतलब पहाड़ी चढ़ गया ये इंसान. तो उन्होंने एक पार्टी फेंकी मेरे लिए. तो मैं भी उस वक्त समझने लगा कि अच्छा मैं तो कुछ जीनियस ही हूँगा, इतना लोग प्यार दे रहे, इतना शाबाशी दे रहे. बट हैविंग सेड दैट के दे वर जस्ट हैप्पी के यू नो आई हैड अ एजुकेशन. यू नो मैंने स्कूल पास किया, देन आई वेंट 2 years टू कॉलेज इन बॉम्बे, आई वेंट टू HR कॉलेज. फिर वहाँ से मैं न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क में मैंने 3 साल फिल्म डायरेक्शन सीखी स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में. फिर वहाँ से 1 साल मैंने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में अपने आप को भर्ती किया, वहाँ एक्टिंग किया मैंने 1 साल. फिर वहाँ से वापस आकर यू नो मैं खुद एक रेज्यूमे बना के बंसाली जी के ऑफिस गया और कहा कि मुझे आपको असिस्ट करना है. और वहाँ से आई गेस मेरी एक जो फिल्मी एम्बिशन, जो एक बर्निंग डिज़ायर है, वहाँ से शुरू हुई, जहाँ एक्चुअली मैंने देखा एक फिल्म कैसे बनती है. मुझे मौका मिला अमिताभ बच्चन को देखने का कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, वो कैसे रहते हैं सेट पे, वो क्या परफ्यूम डालते हैं, वो कैसे मेकअप करते हैं. तो इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. और मैं हमेशा ये एक अगर कोई यू नो मेरे से सलाह मांगने आता है, एडवाइस मांगने आता है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप यू नो 10 साल फिल्म स्कूल जाओ, कुछ 12 साल एक्टिंग स्कूल जाओ, लेकिन जो आपको एक सीख मिलती है एक फिल्म सेट पे, यू नो जो एक्सपोजर मिलता है, जो एक प्रैक्टिकल तरीका होता है कि कैसे फिल्में बनती हैं, एंड आई वाज लकी कि आई वाज ट्यूटर्ड अंडर मिस्टर बंसाली, वाज मेकिंग ब्लैक दैट टाइम. दैट कांट सब्स्टिट्यूट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. यू नो आई थिंक द अमाउंट यू लर्न ऑन अ फिल्म सेट इज जस्ट द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू मेक मूवीज और एक्ट इन मूवीज. नहीं देखिए, जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया यहाँ, तो एक दौर था कि हर पेरेंट अपने बच्चे को अमेरिका भेज रहा है पढ़ाई के लिए, और सब बिज़नेस स्कूल्स जा रहे थे, इंजीनियरिंग स्कूल्स जा रहे थे, इकोनॉमिक्स करने जा रहे थे. बट मुझे ऐसा लगा कि मैं अब लाइफ में तो कुछ फिल्मों के अलावा कुछ कर नहीं पाऊँगा. अगर एक फील्ड एक्टर रहूँगा तो मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं शायद फिल्म डायरेक्ट करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा, जो कुछ करूँगा फिल्मों के इर्द गिर्द करूँगा. तो जब समय आया कि अभी मैं डिसाइड करूँ कि क्या करूँ लाइफ में, तो मैंने पापा से ये कहा था कि आई वुड रादर गो टू फिल्म स्कूल, रादर गो टू एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड काइंड ऑफ ट्रेन माई सेल्फ. और ज़्यादातर ये एक एडुकेशन पर्पस के लिए नहीं था, आई थिंक इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ एक्सपोजर के एक इंसान को मिलता है यू नो टू लिव अलोन,
you know, in a country like United States of America, you meet people of different cultures, you interact with them, ek responsibility aa jati hai, aap thoda bahut bade ho jate ho, aap galtiyan karte ho, like, you know, certain things that I've tried which I am completely dead against now. You know, with age and with maturity, aapko ek ehsaas ho jata hai ki jo kuch ye sab hai, you know, you don't require that in your life. You don't require certain substances to feel high. So you do all those things, but it's very important to go through all of that and realize it yourself, rather than, you know, just being told by somebody. So I think it was a very important chapter in my life to understand myself, to understand the passion that I have, to understand the kind of hard work that I need to put in my life. Tab tak pata chal chuka tha ki, you know, expectations kya hai mere se, pressures kya hai, ek responsibility jo, you know, mere par, mere kandho par saupi gayi hai, ek zimmedari ki mujhe is filmi परिवार से जो हूँ जो एक लेगेसी है उसको आगे लेकर जाना है बट तब भी मैं जानता था कि अगर मुझे इस लेगेसी को आगे लेकर जाना है तो वो आगे जाएगी अगर मेरा एक नज़रिया हो एक इंडिविजुअल अप्रोच हो मेरी सोच हो मेरी मेहनत यू नो सब कुछ मेरे से आए आई कांट रियली लिव ऑन माय फैमिलीज अचीवमेंट्स ऑन यू नो पुट माय लेग्स अप एंड से आई कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली हु इज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियन सिनेमा फॉर मोर देन 80 ईयर्स नाउ इट हैज़ नो मीनिंग You know, it probably has meaning to an outside person, but to me is that I have to kind of sustain this. Mujhe isko aage lekar jana hai, and I can only take it forward with my work, with my hard work, and the way I see it. Bilkul, actually, bahut, actually, Mr. Bhansali aur main shukra guzar hoon unka ki he really made it hard for me as an assistant and as an actor. You know, I wasn't treated special. ऐसा कोई special treatment नहीं दिया गया था क्योंकि मैं एक you know ऋषि कपूर का बेटा हूँ. So he treated me like an assistant. I behaved like an assistant. I learnt everything like all the other 8 assistants that they were there on set. And I think वहीं से एक foundation एक मेरा एक मजबूत foundation बन गया कि making movies is not easy. Acting in movies is not easy. Even जब मैंने सावरी assign की थी दिलीप कुमार से लेकर ऋतिक रोशन तक मैंने सबकी फिल्में लेकर एक सीन लेकर यू नो मिस्टर बंसाली के सामने मैं एक्ट करता था वो मुझे यू नो मुझ पर चिल्लाते थे गुस्सा करते थे मुझे समझाते थे कि ऐसे क्यों करते हैं ऐसा कैसे होता है सो आई थिंक ये सब कुल मिला के आई एम व्हाट आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंड इज़ बिकॉज ऑफ अ सर्टेन स्ट्रगल दैट आई वेंट थ्रू येस ऑफकोर्स यू नो देर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु स्ट्रगल वे मोर देन मी हु आई मेड इन दिस इंडस्ट्री और बहुत मुझे कभी कभी दुख होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ये तो गोल्डन स्पून के साथ बॉर्न हुआ था इसको तो सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया था लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ 5.5 साल हो गए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरी 10 फिल्में रिलीज़ हो चुकी है और मैंने बहुत मेहनत से काम किया है यू नो मैंने एक इंडिविजुअल अप्रोच से काम किया मैंने कभी अपनी फैमिली की हेल्प नहीं ली मैंने फैमिली को कहा नहीं कि मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करो और बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे कभी सक्सेस महसूस नहीं होगी क्योंकि अगर कोई फिल्म मेरी सक्सेसफुल हो या अगर मेरा कोई परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आए हमेशा ये मेरे साथ ये टैग जुड़ा रहता है कि स्टार सन यू नो फिल्म फैमिली से सो ही गॉट इट ऑल ईजी इन हिज लाइफ बट ऐसा कुछ नहीं है येस आई वॉज बॉर्न इन अ फिल्म फैमिली मेरी गलती नहीं है उसकी वजह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली उसकी वजह से मुझे मौका मिला बट उसके आगे मैंने 10 फिल्में की हैं उसके आगे मैंने अपने करियर को आगे खुद बढ़ाया है बिल्कुल और मुझे बहुत डांट भी मिली उस दिन क्योंकि जो मेरा पहला शॉट था मैं उसको लेकर बहुत खुश था बहुत एक्साइटेड था और एक शॉट था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और जो सोनम का कैरेक्टर है सकीना यू नो उसको पुकारूँ तो एक जब पहला टेक हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेडली यू नो खोल के मैंने बोला सकीना तो बहुत कुछ ओवर एक्टिंग हो गई थी तो यू नो बंसाली जी आए मुझे शॉर्ट समझाने कि यू नो बच्चा ऐसा मत करो ऐसा करो और जब वो समझा रहे थे वो एक्साइटमेंट में सुनते सुनते मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया उन पर तो बहुत गुस्से हुए उन्होंने मुझसे चीज़ें कहा कि क्या समझते हैं अपने आप को कि तू दिलीप कुमार है कि डायरेक्टर के ऊपर यू नो दरवाज़ा बंद कर देगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था जो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसके साथ मैं आया था फर्स्ट शॉट देने वो सब क्रम्बल हो गया एंड आई थिंक दैट वॉज ग्रेट तो मैंने फिर से स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू किया कॉन्फिडेंस यू नो बिल्ड करना शुरू किया समझना शुरू किया कि यू नो एक्टिंग ऐसा नहीं कि एक शॉट पे आप पूरी सब कुछ ही डाल दो एक शॉट का टोन होता है एक शॉट का ग्राफ होता है कहानी में कब आ रहा है सीन पे कब आ रहा है बट या आई क्लियरली रिमेंबर दैट शॉट वेरी क्लियरली इन माय हेड वेल जब वेकअप से मुझे ऑफर हुई थी जब अयान मुझे फिल्म सुनाने आ रहा था तो मेरे माइंड में मुझे पता था कि मैं फिल्म नहीं करूँगा एक यू नो मैं खुद एक नया एक्टर था मेरी पहली फिल्म चली नहीं दूसरी फिल्म इतनी खास नहीं चली
और ये फिल्म एक न्यू कमर था, एक बहुत ही अलग कहानी थी. लेकिन जब मैंने अयान जब मैं अयान से मिला, जब अयान ने फिल्म नरेट की मुझे, तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये जो लड़का है अयान मुखर्जी, बहुत ही स्पेशल डायरेक्टर है. ये स्पेशल डायरेक्टर इसलिए है क्योंकि अभी क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, बहुत कम लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं अपने फिल्म के ज़रिए. एक पर्सनल बात है या एक नॉलेज है, एक नज़रिया है दुनिया का, एक नज़रिया है रिलेशनशिप्स का, लोगों का. और बहुत ही इंडियरिंग, एंटरटेनिंग और ऑनेस्ट नज़रिया है. आई थिंक वो सच्चाई मुझे अयान मुखर्जी में दिखी, उस स्क्रिप्ट में दिखी, उस किरदार में दिखी. इसलिए आई अग्रीड इमिजिएटली. एंड आई थिंक आई मेड अ फ्रेंड फॉर लाइफ. आई मेड अ पार्टनरशिप विद अ डायरेक्टर हु विल ओनली बी इंस्ट्रूमेंटल इन माई ग्रोथ एज एन एक्टर. एंड आई थिंक जब ये जवानी है दीवानी का टाइम आया, तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी. आई जस्ट वॉन्टेड टू वर्क विद अयान, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ हिज विजन. क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरी जो ग्रोथ होगी एज एन एक्टर, एज अ स्टार, इल ओनली हैपन इफ आई वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक अयान, विद अनुराग बासु, इम्तियाज अली, यू नो, सो मेनी डायरेक्टर्स, सो मेनी टैलेंटेड मेकर्स हुआ देर इन द फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ. सो आई एम लकी, यू नो, आई एम लकी के दिस गाइज आर चूजिंग मी, दिस गाइज आर ऑफरिंग मी सच अमेजिंग पार्ट्स, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द मूवीज़.